घर में मम्मी की नजर होगी, बाहर डैडी का पहरा होगा, जितना रोकेगा हमको जमाना, प्यार उतना ही गहरा होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और SSC GD UPSI के लिए आपको टाइम एंड वर्क। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, टाइम एंड वर्क हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। इसके तीन पार्ट आने वाले हैं, आपको तीन वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट होगा। तो तीनों वीडियो को आप देख सकते हैं और आसानी से आप ग्रुप डी के सवाल जब आपको मिलेंगे कोई भी टाइम एंड वर्क में तो बना लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले भैया? टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले। देखिए टाइम एंड वर्क एकदम बेसिक से चलेंगे ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इसको आसानी से सीख सके। टाइम का मतलब होता है समय, है ना, और एंड का मतलब तो होता है और हिंदी में है, और वर्क का मतलब होता है कार्य। तो कार्य टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। देखिए समय, कोई भी काम को करने में जो वक्त लगता है वो तो समय है। जैसे एक को किसी काम को करने में 15 दिन लगता है तो समय हो गया 15 दिन। एक किसी काम को 15 दिन में करता है तो समय कितना हो गया? 15 दिन। बी किसी काम को 20 दिन में करता है तो समय कितना हो गया? 20 दिन। दोस्तों ध्यान देना, और एक बात और देखिए, कार्य या भाग या पार्ट कहिए, एक दिन में पूरे काम का, एक दिन में जितना भी काम हो जाएगा वो एक दिन का पार्ट कहलाएगा। जैसे याद रखिएगा, एक कोई काम 15 दिन में करता है तो एक दिन में एक कितना करेगा? 1/15 भाग काम करेगा। 2 दिन में कितना कर सकता है? तो 2/15। अगर एक पूरा काम 15 दिन में करता है तो 3 दिन में कितना करेगा? 3/15। 3 से काट भी सकते हैं, 3 × 15 = 1/5 भाग कर लेगा। 1/5 भाग काम होने का यह भी मतलब होता है कि 5 काम था उसमें से एक काम वो कर लिया, 5 काम था उसमें से एक काम क्या किया? कर लिया। तो ध्यान रहे इस बात को, अगर बी कोई काम 20 दिन में करता है और सीधे कहे कि बी 4 दिन में कितना करेगा, तो 4 दिन में 4/20 भाग करेगा। 4 से 20 को काटेंगे 5 बार में, 1/5 भाग काम करेगा। ठीक है, चलो बहुत सिंपल बात था ये। अब ध्यान दीजिएगा कि आप जानते हैं अगर ऐसा रहे सवाल कि ए कोई काम 20 दिन में करता है और बी वही काम 25 दिन में करता है, सवाल कहेगा कि बताओ जरा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। कई तरीका है इसके बनाने का। एक तो तरीका है कि भैया इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम ले लोगे 20 और 25 का एलसीएम 100 आ जाएगा। तो ये जो एलसीएम आया ना, एलसीएम इसको कहिएगा कुल काम। 100 काम है, समझ लीजिए 100 काम है करवाने के लिए। जो 100 काम ये 20 दिन में करता है, यही 100 काम बी 25 दिन में करता है। मतलब 100 काम है और 100 काम करने में ए को लगेगा 20 दिन। अब आप जरा बताइए कि अगर ये 100 काम ए 20 दिन में करता है तो डेली कितना करता होगा? आप 20 से 100 को भाग देंगे, 20 × 100 यानी ये 5 काम डेली करता होगा। और उसी तरह अगर 25 दिन में ये 100 काम करता है बी, तो 25 × 100 डेली 4 काम यहां लिखेंगे, दिन नहीं लिखेंगे, 4 काम करता होगा। ये कितना काम करता होगा डेली? ये 4 काम, ये 5 काम, क्योंकि डेली ये 4 काम करेगा तो 25 दिन में 25 × 100 काम कर लेगा। यही 100 काम करने में अगर ये अकेला भिड़ेगा तो 20 दिन लगेगा, यानी कि 20 × 25 = 100, 5 काम डेली करेगा। अब कहेगा कि दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा? तो दोनों मिलकर एक दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में 5 + 4 यानी कि 9 काम करेगा। डेली कर सकता है कितना काम? 9 काम। और कहेगा कि डेली करेगा दोनों साथ कि पूरा काम कितना दिन में हो जाएगा। 100 काम है और एक दिन में वो 9 काम करता है, टोटल काम में एक दिन के काम से भाग दे देंगे, दिन आ जाएगा ना कि क्या दिन लगेगा? 11 × 99 11.9 दिन लगेगा। दोस्तों
एक फॉर्मूला हम और आपको बताते हैं। देखिए, ए कोई काम कर रहा था कितना दिन में, 20 दिन में। बी कोई काम कर रहा था कितना दिन में, 25 दिन में। कहता है कि जब दोनों मिलकर करेगा तो कितना दिन में कर लेगा, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है सिंपल, ए बी बटा ए प्लस बी दिन में, मतलब दोनों को गुना करके दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिए। बताइए 20 गुना 25 हुआ, नीचे में लिख दीजिए जोड़ के, 20 25 कितना हो गया 45। अब 5 से 5 बार में 5 से 9 बार में ऊपर हो गया भैया 100 बट्टा में 9, यानी 11.1 बट्टा 9 दिन, ये आपके इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, 11.1 बट्टा 9 दिन इस सवाल का जवाब हो गया। ध्यान देना, तो एक बात आप नोट कर लो कि जब दो व्यक्ति, सुनिए, जब दो व्यक्ति, कितने व्यक्ति, एक सेकेंड, जब दो व्यक्ति मिलकर, इस बात को नोट कर लीजिएगा कॉपी में और दिमाग में भी, जब दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेगा, किसी कार्य को करेगा तो ए बी बटा ए प्लस बी डे में कर देगा। जब दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेगा तो ए बी बटा ए प्लस बी डे में कर देगा। और एक बात याद रखना, जहां ए एवं बी, जहां ए एवं बी दो अलग अलग, ऐसे जहां ए एवं बी दोनों व्यक्ति का दिन है, बस, तो इस बात को याद रख लीजिए, जब दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को करेगा तो ए बी बटा ए प्लस बी दिन में कर लेगा, जहां ए और बी जो है दोनों अलग अलग दिन है। अच्छा, दिन के लिए जैसे ही अगर आपको कहे ए कोई काम 25 दिन में, अब बी वही काम अकेला करेगा तो 50 दिन लगता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में, तो लिख देना 25 गुना 50, और नीचा में दोनों को जोड़ के 75। अब 25 तिया 75, 50/3 हुआ, मतलब कि 16.2/3 दिन लगेगा, 16.2/3 दिन लगेगा। हो गया इस सवाल का जवाब। अब दोस्तों एक चीज और गौर करने वाली बात है, ध्यान रहे, जब दो व्यक्ति ठीक ना मिलकर कार्य करेगा तो एक दिन में ए प्लस बी अब बट्टा ए बी भाग करेगा। हाँ, इतना काम होगा। जब दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेगा तो एक दिन में ए प्लस बी बट्टा ए बी भाग कार्य होगा, जहां ए और बी दोनों व्यक्ति का अलग अलग दिन होगा, जहां ए एवं बी दोनों व्यक्ति का क्या होगा, अलग अलग दिन होगा। दोस्तों गौर करना, जैसे मान लो कि ए कोई काम 15 दिन में करता है और बी वही काम 25 दिन में करता है। अब सवाल यह है कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग काम करेगा, एक दिन में, ध्यान दीजिए, एक दिन में कितना भाग काम करेगा, इसके लिए फॉर्मूला लगाना ए प्लस बी बट्टा ए बी। उस समय से क्या लगाते थे, उस समय से लगाते थे ए बी बट्टा ए प्लस बी, ऐसे लगाते थे, और इसी को उलट दिया गया, यहां पर प्लस वाला ऊपर चला गया, इनटू वाला नीचे हो गया। दोस्तों यहां पर अगर ऊपर जोड़ के लिखेगा 25 15, तो कितना हो जाएगा 40, तो 40 ऊपर नीचे गुना करके 25 गुना 15
पांच से काटे, पांच बार में, पांच से काटे आठ बार में, अब कटेगा क्या? नहीं, आठ बट्टा पंद्रह पचे पचहत्तर, इतना भाग काम होगा, आठ बट्टा पचहत्तर भाग, एक दिन का ये काम हुआ, एक दिन का काम हुआ देखो। और इसी में अगर ये कहता कि बताइए ए कोई काम पंद्रह दिन में करता है, बी पच्चीस दिन में करता है, दोनों मिलकर तीन दिन में कितना भाग काम कर लेगा, एक काम करते कि आठ बट्टा पच्चीस भाग काम, आठ बट्टा पच्चीस भाग काम कितने दिन का काम है? तो आप कहेंगे सर एक दिन का निकाले हैं आप, ठीक है। अगर आपसे तीन दिन का कहे तो तीन से गुना, पांच दिन का कहे तो पांच से गुना। अब मान लीजिए हम पांच दिन में निकालना चाहते हैं तो पांच से गुना कर दीजिए, यहाँ पच्चे पच्चीस यानी आठ बट्टा पांच भाग काम कर लेगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा नहीं। चलिए आगे, मतलब एक दिन के काम में हम जितना से गुना करेंगे उतना दिन का निकल जाएगा, ठीक। आगे सवाल आएगा तो आपको आसानी से समझ में और आ जाएगा, बाकी आप समझ ही रहेंगे। दोस्तों अब ध्यान देना एक बात कि पार्ट एवं डे हमेशा एक दूसरे का उल्टा होता है। पार्ट मीन्स भाग, पार्ट एवं डे, डे एक दूसरे का, पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है हमेशा, हमेशा पार्ट एवं डे हमेशा एक दूसरे का, एक दूसरे से खफा, एक दूसरे का उल्टा होता है। पार्ट एवं डे एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। अब एक बात देखो, आपने देखा था कि दो आदमी के लिए दिन निकालना था तो ए बी बट्टा ए प्लस बी दिन लगाए थे फॉर्मूला, और भाग निकालना हो तो ए प्लस बी बट्टा ए बी भाग, बताइए उल्टा है ये ना। अब आपको याद भी रहेगा कि पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है। अब इससे आपको फायदा क्या होगा? तो फायदा ये होगा दोस्तों, अगर मान लो कि सवाल ये कहता है कि ए कोई काम चार दिन में करता है और बी वही काम पांच दिन में करता है, तो उनके काम का अनुपात क्या होगा? उनके उनके काम का अनुपात, अनुपात क्या होगा, क्या होगा? आपको पता है कि पाठ का उल्टा डे, डे का उल्टा पाठ होता है। दोस्तों ए और बी के दिन हमको पता है, रेशियो में लिख देंगे, ए कोई काम चार दिन में कर रहा है, बी पांच दिन में कर रहा है, ये तो आपका डे हो गया। और उनका जो पाठ यानी जो काम होगा कि कितना भाग कौन किया, तो बस इसी रेशियो को उलट दीजिएगा, बताइए पांच अनुपात चार में हो गया, मतलब क्या हुआ जानते हैं? यही आपका आंसर हो गया। अब ये कैसे आपको पता चलेगा? जब आपको याद रहेगा कि पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है तो बिल्कुल आसान है आपके लिए। अब देखिए, जैसे ए और बी कोई काम चार और पांच दिन में करता है, मतलब ए को कोई काम करने में चार दिन लगता है और बी को काम करने में पांच दिन लगता है, बी बेचारा धीरे धीरे काम कर रहा है, नहीं, जिस काम को ए चार दिन में कर लेता है उसी काम को करने में बी को लगता है कितना दिन? पांच दिन। इसका मतलब है कि बी धीरे धीरे काम कर रहा है। अब देखिए, तो जो धीरे धीरे काम करेगा उसको तो वो तो कम काम कर पाएगा ना समान समय में, तो अब अगर पार्ट निकालना हो कि कौन कितना पार्ट किया, बस इसी रेशियो को पलट दिया, पांच इधर आ गया चार उधर चल गया, पांच अनुपात चार में हो गया, मतलब कि जब तक ए पांच काम कर लेगा, क्योंकि ये तेज है, ए पांच काम कर लेगा तो बी चारे काम किया होगा, तब तक बी चारे काम किया होगा क्योंकि बी काम धीरे धीरे करता है इसीलिए। अब देखना जरा, अगर मान लो कि ए बी और सी इन तीनों के दिन का रेशियो पता है, कि तीनों के दिन का रेशियो, ए को कोई काम करने में चार दिन, बी को पांच दिन, और सी को लग रहा है छह दिन, ए को लग रहा है चार दिन, बी को पांच दिन, और सी को लग रहा है कितने दिन? छह दिन। अब सवाल यह कहता है कि बताइए तीनों के काम का अनुपात क्या होगा, तीनों के काम का अनुपात क्या होगा, यानी पार्ट का रेशियो इसका पूछा है, पार्ट यानी भाग यानी हिस्सा। अब देख लीजिए, अगर इस रेशियो को पलटना है तो कैसे पलटेंगे? क्या हम ऐसे लिख देंगे कि छह उधर से लाएंगे, पांच को इधर से, और चार को लास्ट में?
नहीं, ये चार छह प्लक लिए, पांच वही के वही है। देखिए इसका ये तरीका है दोस्तों, इसमें हम एगो ढक ढकिया नियम बता देते हैं। हालांकि इसको आप ऐसे करके काम कर सकते थे, एक बट्टा चार अनुपात एक बट्टा पांच अनुपात एक बट्टा छ। और देखो चार पांच छ का एलसीएम ले लो, नीचे वाला का चार पांच छ का एलसीएम तो कितना हो जाएगा, तीस नहीं, छ पच तीस साठ हो जाएगा, एलसीएम साठ। अब भाग लगा, चार से साठ को काटोगे पंद्रह बार में तो पंद्रह इकाई पंद्रह, अभी पांच से साठ को बारह बार में तो बारह एकम बारह, भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं छ दहाई साठ तो दस, कटेगा नहीं कटेगा, यानी पंद्रह बारह दस का रेशियो हो जाएगा उनके काम का। तो एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका आपका यह है ढक ढकिया नियम। ढक ढकिया नियम क्या है, मतलब दूसरा मेथड देखिए, दूसरा तरीका, खतरनाक तरीका। ढक ढकिया नियम यह कहता है कि अगर इस रेशियो को पलटना है चार पांच छ वाला को, तो जिसका पहले मान निकालना है उसको पहले ढक लेना और पांच छ के तीस गुना करके लिख दो। चलो अगला अनुपात, अब बी के सामने लिखना है तो बी को ढकेंगे चार छ के चौबीस गुना कर दिया। अगला आना है छ को ढकेंगे, अब चार पचे बीस। अब ये तो छोटा होगा ना रेशियो में, रेशियो का मतलब होता है कि जो कट जाए, जितना कट जाए उतना काट लीजिए। तीस का आधा हो जाएगा पंद्रह, चौबीस का आधा हो जाएगा बारह और बीस का आधा हो जाएगा दस, पंद्रह बारह दस। ये हुआ ढक ढकिया नियम, ढक के काम होता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इस बात को याद रखने से फायदा और भी होने वाला है। इस बात को याद रखने से फायदा क्या होने वाला है जानते हैं? अगर मान लीजिए कि कुछ रुपया को बांटना है, और मान लीजिए ए एवं बी किसी चार्ज के बदले 270 रुपया लेते हैं, या कहेगा कि ए और बी ने किसी काम को करने के लिए 270 रुपया में ठेका लिया है, ऐसा भी बोलेगा 270 रुपया लेते हैं, एवं वे किसी कार्य को क्रमशः चार एवं पांच दिन में कर सकते हैं तो ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा। भैया टाइम देना पड़ेगा, अगर चीजें शुरू से सीखनी है थोड़ा सा समय चाहिए। देखो अब देखो ए एवं बी 270 रुपया में काम करने का ठीका लिया है और उनका जो रेशियो है काम करने का, ए कोई काम चार दिन में कर सकता है, बी पांच दिन में। तो हम क्या करेंगे यहां दिन का रेशियो लिख लेंगे चार एवं पांच। अब हमको इनका पार्ट का भी रेशियो पता हो जाएगा कि कौन कितना पार्ट काम किया होगा, तो ये पांच काम करेगा और बी चार काम करेगा, क्यों, इसी को पलट दिया। पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है, ए चार दिन में करता है कोई काम तो बी पांच दिन में, क्योंकि ए तेज है काम करने में। इसका मतलब कि ए जब तक पांच काम कर लेगा तब बी चार ही काम किया होगा। अब आप बताइए इस काम को करने का ठीका कितने रुपए में लिया गया है, 270 रुपया में। अब जो व्यक्ति जितना ज्यादा कार्य करेगा उतना ही ज्यादा हिस्सा लेगा, सीधा सा बात है कि जो व्यक्ति जितना कार्य करेगा कुल मजदूरी का उतना ही भाग ले लेगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें काम ज्यादा कौन कर रहा है, ए, और कम काम कर रहा है कौन, बी। तो बी को हिस्सा कम मिलेगा और ए को हिस्सा कम ज्यादा मिलेगा। जिस रेशियो में इसने काम किया है इसी रेशियो में पैसा भी मिलना चाहिए। अगर इसने पांच काम किया है और इसने चार काम किया है तो इसको पांच रुपया मिलेगा तो इसको चार रुपया ही मिलेगा, क्योंकि जो कम काम किया उसको कम मिलेगा, जो ज्यादा काम किया उसको ज्यादा मिलेगा। तो भैया आपको पता है
कि दोनों को मिलाकर है 270 रुपया, इसमें ए और बी दोनों है, तो यहां मिला लीजिए कि 5:4:9 अनुपात में कुल हिस्सा हो गया 9 काम का। इसको आप कुल हिस्सा भी कह सकते हैं, मतलब 5 काम 4 काम, तो उसी तरह इसका 5 रुपया तो इसका 4 रुपया, तो मिलाकर हो गया 9 रुपया, जबकि अनुपात में तो 9 हुआ और रियल में 270 है। अब अनुपात एक का मान भी निकाल लो, तो 9 से भाग दोगे 9 × 3 = 27, 30 बार में आपको ए का हिस्सा पूछा गया। ए का हिस्सा देखो, अनुपात एक का मान 30, 5 का मान निकाल देंगे 30 × 5 = 150 रुपया, यह हो गया इस सवाल का जवाब। नो प्रॉब्लम, अगर एक का हिस्सा 30 है और बी का निकालना होता तो तीस चौका 120 रुपया, 120 रुपया बी का, 150 रुपया ए का, दोनों जोड़ो 270 रुपया हो जाएगा। और जो ज्यादा काम करने में तेज है वो ज्यादा पैसा लिया, और जो काम करने में कम तेज है वो कम पैसा लिया, ठीक है। और एक बात नोट कर लेने वाली बात है भैया, नोट कर लेने वाली बात है, आप नोट में लिख लीजिए कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा कार्य करेगा कुल मजदूरी का उतना ही भाग हिस्सा ले लेगा, जो व्यक्ति जितना ज्यादा कार्य करेगा वो कुल मजदूरी का उतना ही भाग हिस्सा ले लेगा, ठीक है। अब चलिए एक बात और देखिए, ये इस टाइप को सीखना जरूरी है, ये किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, तो 3/5 कार्य कितने दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा बताइए। एक किसी काम को 40 दिन में कर सकता है तो 4/5 काम कितने दिन में करेगा, सॉरी 3/5, ये काम आपको करवाना है 3/5 काम, ये भाग वाला काम आपको करवाना है, सुन लीजिए। कभी सवाल इसी का उल्टा रहेगा, आपसे कह देगा कि 3/5 काम उसने 40 दिन में किया है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, ये बात भी पूछा जा सकता, ठीक है। तो सुनिए यहां पर क्या है कि ए का पूरा दिन पता है आपको, कि ए पूरा काम करेगा ना, कोई काम दे दीजिए वो 40 दिन में निपटा देता है, तो उसी काम का 3/5 काम कितने दिन में करेगा। अब ये 3/5 काम का क्या मतलब होता है, मतलब होता है कि 5 काम है उसमें से मात्र 3 काम करवाना है, समझ रहे कि नहीं, तो कितना दिन लगेगा। तो सुन लो, ये जब भी भाग में काम हो, बटा के रूप में काम हो, यानी भिन्न के रूप में जब भी काम दिया हुआ हो और यह काम किसी से करवाना हो तो जिससे करवाना हो उसके दे से गुना होगा। भाग वाला काम, बात को नोट करिए, कहां, दिमाग में, दिमाग में, कि भाग वाला काम जिससे भी करवाना होगा उसके दे से गुना करना होगा। भाग वाला काम जिससे भी करवाना होगा उसके दे से गुना करना होगा, ये भाग वाला काम किससे करवाना है, ए से। तो ए का दिन कितना है 40, बस 40 से गुना कर दीजिए, तो ए 3/5 काम कितना दिन में करेगा, तो भैया 8 × 3 = 24 दिन में कर देगा। मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस सवाल को मिटा दूं और आपसे कहूं कि क्या क्या आप ऐसे बना सकते हैं, अगर मैंने यहां पर ए भी हटा दिया है और मैंने लिख दिया, चलो यहां वाला भी मिटा देते हैं, यहां लिख दिए रेखा किसी कार्य को 50 दिन में कर सकती है, तो अब 3/5 कितने दिन में करेगी, हो जाएगा, आराम से बना सकते हैं आप लोग कि रेखा ये 3/5 काम कितने दिन में करेगी। ये काम रेखा से करवाना है तो रेखा के दिन से गुना कर देंगे 50 से, अरे 5 × 50 10 × 3 = 30 दिन में काम हो जाएगा, 30 दिन में हो जाएगा,
हो जाएगा ना। अब देख लीजिए इसी सवाल का उल्टा सवाल होगा। अब क्या होगा कि मान लो कि कोई राम नाम का व्यक्ति है, राम है, तीन बटा पांच भाग काम 15 दिन में करता है। अरे 15 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में, कर लेगा पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। देखिए राम जो है, राम तीन बटा पांच भाग काम 15 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। ये तीन बटा पांच भाग काम करवाना नहीं है, इतना तो कर लेता है वो 15 दिन में, नहीं 15 दिन में कर लेता है भाग वाला काम। याद रहे कि भाग वाला काम जब भी करवाना होगा तब दिन से गुना होगा, समझ रहे कि नहीं। मैंने बोला है कि दिन के रूप में काम रहे, बटा के रूप में यानी भाग वाला काम जब भी करवाना हो तो जिससे करवाना उसके डे से गुना। इसमें है कि राम जो है तीन बटा पांच भाग काम 15 दिन में करता है, ये तीन बटा पांच भाग काम कर लेता है 15 दिन में, तो कर लेता है तो उसको बराबर करके लिखिएगा, माने इतना काम वो इतने दिन में करता है, इतना काम कितने दिन के बराबर है 15 दिन के बराबर, तो पूरा काम निकालना है तो बस काट दीजिए 3 × 5 = 15, इधर कुछ नहीं तब 1 बचा तो 1 = 25 दिन, यानी पूरा काम 25 दिन में। दोस्तों याद रहे 1 डिनोट करता है ऑल वैल्यू को, यानी 1 जो है भिन्न में 100% का मान होता है, 100% के बराबर। अगर मैंने कहा आपसे कि आपने हमको जो काम दिया था उसका हम 50% कर चुके हैं तो आप बिल्कुल समझेंगे कि हमने आधा काम कर लिया है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने आपका 100% काम कर दिया है तो 100% का मतलब आप ये समझेंगे कि मैंने जो काम किया था वो पूरा काम खत्म कर दिया है, क्योंकि 100% का मान एक ही होता है। 100% देखिए 100 और प्रतिशत का मतलब है बट्टा में 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 1 हुआ ना, यानी 100% का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो फ्रैक्शन में ये भिन्न है, 1/1 भी लिख सकते ना, 1 कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। तो 1 जो है, 1 जो है भिन्न में 100% के मान के बराबर है, और 1 काम होने का मतलब कुल काम हो जाना, ठीक ना। लेकिन ये फ्रैक्शन के रूप में 1 डिनोट करेगा ऑल वैल्यू को, पूरा काम 25 दिन में। तो मुझे भरोसा है कि आपको बड़ा आसानी से समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, हम अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और कुछ बेसिक चीजें बची हुई उनको भी करवाएंगे, तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, हो सकता है कि जब आप देख रहे होंगे तो उसका नेक्स्ट पार्ट बन गया होगा, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और हाँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको लगातार गणित सीखना है तो।